तल्लुक जो है वो अर्श से है, फर्श से नहीं है। बाकी सारा बदन जो बना है वो जमीन से बना है, दिल जमीन से नहीं बना, दिल डायरेक्ट आरसी। इसलिए दिल कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ईशा की नमाज में हरम शरीफ में बैठे हुए थे मैं और शेख सऊद सुरेश, हरम शरीफ के इमाम है, हम दोनों बिल्कुल लग कर बैठे हुए और ईशा की नमाज शेख सऊद सुरेश को पढ़ानी थी हरम शरीफ में, उनके जिम्मे की। अजान हो चुकी थी, 10-15 मिनट के बाद नमाज खड़ी होती है, हम दोनों बैठे हुए अपना बात कर रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, मैं कुछ कह रहा था, जवाब दे रहा था। उन्होंने अपनी बीमारी का तस्करा किया कि मुझे ये बीमारी है, बीमारी है। तो मैंने कुरान शरीफ की एक आयत बताई कि ये आयत पढ़ा करें आप, दम करें। तो उन्होंने कहा ये आयत क्यों? मैंने कहा इससे शिफा मिलेगी। तो उन्होंने मुझे फौरन जवाब दिया कि कुरान कुल्लहा शिफा, ये आयत क्यों? कुरान तो सारा का सारा शिफा है। उन्होंने मुझे जवाब दिया। ये हमारे बातें हो रही थी, इल्मी बातें, हम बैठे बातें कर रहे थे। तो एक आदमी अरब सऊदी वो तवाफ कर रहा, वो तवाफ करते करते उसने देखा कि भी मौलवी यूनुस नहीं बैठे, शेख सऊद सुरेश नहीं बैठे। और मैं अपनी तबलीग की कारगुजारी उनको सुना रहा था कि भाई ये है, ये ऐसा हमारा काम होता है। और वो शख्स जानते भी हैं, हमको मुलाकात होती रहती है उनकी। तो वो जब बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक आदमी अरब ने देखा, उस अरब ने आकर देखा कि दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं। वो अरब जो है भागा भागा आया हमारे पास और हम दोनों के सामने आकर बैठ गया। अच्छा, पुलिस वाले देख रहे हैं, देखो पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं उनको नमाज पढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए। जब मैंने बात शुरू की तो पुलिस वालों ने रोका, नहीं बात मत करो शेख से। तो शेख ने कहा ला ला ला, कभी नहीं, मुझे इनसे बात करनी। पुलिस वालों को मना किया, कभी इनको मना मत करो, ये मेरा खास आदमी ये करता। तो पुलिस वाले खड़े हो गए एक तरफ। वो तीसरा आदमी आया तो पुलिस वाले और करीब आ गए, पता नहीं, इसलिए वो हरम शरीफ के इमामों की सिक्योरिटी, उनका जो मामला होता है उस एतबार से। तो उसने आकर बहुत ही जज्बे में शेख सऊद सुरेश को कहा, मैं इस पर सुनाता हूँ कि दिल ये हमेशा सच बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने आते ही कहा कि हा उलाया हलत दावा, हा उलाय मेजर को इशारा किया, हा उलाया हलत दावा, ये दावत के काम करने वाले हैं, ये लोग जो है तीन चिल्ला मांगते हैं, चिल्ला लगवाते हैं, कभी 20 दिन लगवाते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, ये दावत का काम कैसा है? मैं निकलू ना निकलू? तो शेख सऊद सुरेश जो है वो अपनी घड़ी की तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि वो किसको बहाना करके खड़े होने की फिक्र में है कि भी नमाज पढ़ानी है मुझे, कि वो घड़ी की तरफ देखने लगे। मैंने शेख सऊद सुरेश से कहा कि घड़ी की तरफ मत देखिए, नमाज 5 मिनट खड़ी हो जाएगी, ये अहम आदमी है, उसका जवाब दीजिए आज, इसको जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दूंगा, आप जवाब दीजिए। शेख सऊद सुरेश ने कहा कि हाँ मैं जवाब देता हूँ, इस सब के कलबक, अपने दिल से फतवा ले, तेरा दिल जो है वो हमेशा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अपने दिल से पूछ कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना, और दिल तेरा जो कहे वो कर। फिर हदीस सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मामले में तुम आगे पीछे हो अपने दिल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये कहकर शेख सऊद सुरेश जो है वो खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए। जब खड़े हुए तो वो आदमी भी खड़ा हुआ था, पुलिस वाले आगे तो नहीं जाने देंगे उसको, अब तो नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना। तो नमाज पढ़ाने के लिए जो इमाम जाता है हरम शरीफ का, तो वहाँ हम भी साथ नहीं जा सकते, लेकिन उनको तो नमाज पढ़ानी है, सारा हरम है। तो आदमी पीछे पीछे चला, तो मैं भी थोड़ा पीछे पीछे चला। शेख सऊद सुरेश ने कहा निकल जाए, इसी में खैर है। चलते चलते निकल जाए, इसी में खैर है, तेरा दिल तुझे ये फतवा दे। ये कहकर सीधे जो है मुसल्ले पर आ गए। जब मुसल्ले पर आए तो उसके बाद शेख सऊद सुरेश ने दावत वाली आयतें पढ़ी, या अय्युह अल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और बहुत रोए उसके अंदर दावत वाली आयतें पढ़ी। तो हमेशा दिल जो है, दिल इसका ताल्लुक अल्लाह से, इसलिए दिल दिल में दुआएं मांगो। محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا
محمد رسول الله.